तो फ्रेंड्स, डीप क्लीनिंग करने का जो सबसे पहला टिप मैं आपको दूंगी वो है एक कंफर्टेबल ड्रेस। जिस ड्रेस को पहनकर आप कंफर्टेबली क्लीनिंग कर सकते हैं उसी ड्रेस को पहनिए। इसके अलावा मैं अपने किचन के डीप क्लीनिंग को आपके साथ दो पार्ट्स में शेयर करूंगी। पहले पार्ट में मैं ऊपर के सारे विजिबल चीजों की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी और अपने सेकेंड पार्ट में मैं जो भी क्लोज्ड कैबिनेट्स और ड्रॉर्स वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला टिप है, किचन के क्लीनिंग के लिए हमें एक राइट टाइम को चूज करना, और ऐसे समय को हमें चूज करना चाहिए ताकि घर के बाकी किसी भी मेंबर को या हमें खुद भी उस समय किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो। तो स्पेशली किचन की क्लीनिंग से पहले हमें पेट पूजा का इंतजाम ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह ही खाना बनाकर रख लिया है अपने किचन में और उसके बाद सारे खाने को मैंने डाइनिंग टेबल पर अरेंज करके रख दिया है। तो अब शुरू होता है प्रोसेस किचन की डीप क्लीनिंग का। तो सबसे पहला काम मैं जो करती हूँ वो होता है चिमनी फिल्टर को खोलना, और आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं और इन्हें मैं लगाने वाली हूँ डिश वॉशर के अंदर। और डिशवॉशर के अंदर जब तक कि ये चिमनी फिल्टर साफ़ हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं इसमें 3 घंटे का लगभग टाइमर सेट हो चुका है और इन 3 घंटों में ही हमें बाकी का काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लीनिंग प्रोसेस। अब डीप क्लीनिंग की बात है तो कुछ ना कुछ बेसिक टूल्स तो हमें चाहिए ही होते हैं। तो मैं अपने इस तरह के एक बास्केट में अपने सारे टूल्स को रखती हूँ, तो इससे ये सारे टूल्स एक जगह रहते हैं तो हमें अलग अलग जगहों पर इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ इनोवेटिव टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किचन में जितना भी विजिबल सामान है उन सभी को मैंने किचन से बाहर रख दिया है ताकि वो सामान गंदा होने से बचा रहे हमारे क्लीनिंग के प्रोसेस में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा किचन खाली हो चुका है और ये पूरा कैनवस तैयार है पेंटिंग के लिए, यानी कि इस किचन में मैं हूँ और ये मेरा क्लीनिंग टूल है। तो चलिए काम पर लग जाते हैं। और एक टिप को आप ज़रूर फॉलो करिएगा कि अगर आप किचन से सामान को बाहर रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूरी पर ना रखिए किचन से, वरना आपको किचन में लाना और ले जाने का एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर बढ़ जाएगा। तो सफाई में सबसे पहला स्टेप होता है डस्टिंग, और मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का एक डस्टर, बहुत ही प्यारा डस्टर है। ये एक माइक्रोफाइबर डस्टर है जो कि एक्सटेंडेबल है, ये सीलिंग तक पहुँच सकता है और इसकी हाइट आप 100 इंचेस तक बढ़ा सकते हैं। और ये एक फ़ैन क्लीनिंग वाला डस्टर है, बट इससे फ़ैन उतना अच्छा क्लीन नहीं होता है, पर हाँ वॉल्स और सीलिंग आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो अब फैन की बात चली है तो चलिए अब फैन को ही क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि डस्टिंग के बाद ऊपर के हिस्से में हमारा फैन बचता है और मैं तैयार हो गई हूँ फैन की क्लीनिंग के लिए। तैयारी बहुत जरूरी है क्योंकि सफाई के साथ साथ सेल्फ प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है डस्ट से बचने के लिए। और हाँ, सारा सामान साथ में लेते जाइएगा अगर आप पंखे को साफ करने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में तो आधी एनर्जी आपकी उसी में चली जाने वाली है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो पंखे के ऊपर का हिस्सा है वहां पर काफी सारी एक चिपचिपी सी डस्ट मेरी कलेक्ट हो गई थी जो कि स्क्रब से मुझे साफ करनी पड़ी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे फैन और सीलिंग को साफ करने के बाद कैबिनेट्स के ऊपर सफाई कर लेनी चाहिए, और साथ में मैं लेकर जाऊंगी कुछ जरूरी चीजें जो मुझे सफाई के लिए जरूरत है। तो चलिए आइए दिखाती हूँ मैं अपनी होशियारी जो पिछली बार की सफाई में मैंने की थी। और कैबिनेट्स के ऊपर मैंने कुछ इस तरह के पेपर्स डाले थे जिनकी वजह से क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पतली सी स्ट्रिप के अलावा बाकी सारा का सारा कैबिनेट साफ है, और इस स्ट्रिप पर पेपर नहीं पड़ा हुआ था इसलिए यहाँ पर स्टिकी चिकनाई जम गई है, जिसे मैं आसानी से साफ कर सकती हूँ। ये टिप आप भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस बार मैं पेपर डालने की बजाय ये क्लिंग रैप यहाँ पर बिछा रही हूँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम मेरे साथ है उसके लिए मैं कोई टिप देने वाली नहीं हूँ, बल्कि मुझे आपसे टिप चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारी चींटियाँ हैं
मेरे किचन में और ये कोई भी सामान खाने का नहीं छोड़ती हैं। जैसे ही कोई सामान मिलता है तुरंत उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। तो आप इसके लिए क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर एक चौक लगा रही हूँ जिसे हम लोग लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो जाता है, पर चींटियाँ कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती हैं। डीप क्लीनिंग के समय आप एक टिप को और भी फॉलो कर सकते हैं। किचन में जो गैस के ऊपर वाला वॉल होता है उसे मैं इस तरह से सोप और वाइपर की मदद से साफ कर देती हूँ समय समय पर, ताकि उस पे जो हल्की फुल्की सी चिकनाई जम जाती है वो भी साफ होती रहे। किचन में चिमनी होती है उसके बावजूद इस वॉल पर कुछ ना कुछ चिकनाई ज़रूर जम जाती है। और इस तरह के स्टील के रैक अगर आपके किचन में हैं तो इनकी सफाई कुछ नहीं तो 6 मंथली करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकी हार्ड वाटर स्टेन की वजह से चमक तो ज़रूर चली जाएगी और साथ साथ इसमें रस्ट भी लग सकता है। और शेल्फ लाइनर कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे किचन शेल्फ के लिए ये बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किचन एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जगह होती है हमारे घर की, तो इसकी डीप क्लीनिंग की बात करें तो एक साथ एक बार में करना काफ़ी मुश्किल और थकाने वाला हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ इसे 2 पार्ट्स में करना, और इसीलिए मैं इसके 2 पार्ट्स आपके साथ वीडियो में भी शेयर करूँगी। डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो चलिए स्विच बोर्ड्स को भी साफ़ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ WD-40 और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और होम मेंटेनेंस के लिए मल्टीपर्पज़ वाला प्रोडक्ट है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी हैवी वाली सफाई मेरी हो चुकी है और अब बारी आती है टाइल्स और स्लैब को साफ करने की। और एक एरिया जो मेरे हिसाब से बच रहा था वो है ये डिश वॉशर के पीछे का एरिया, और ये काफ़ी कम टाइम में शिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा डस्ट आप देख पा रहे हैं कि आ गया है। तो इसे मैं सिंपली झाड़ू से ही साफ़ करने वाली हूँ, और इस तरह ये मेरी फ्लोर की सफाई भी हो चुकी है। अब चलते हैं टाइल्स की सफाई के लिए। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, मल्टीपर्पज़ लिक्विड और साथ साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और इस मल्टीपर्पज़ लिक्विड से मेरे घर का 80% तक का क्लीनिंग का काम हो जाता है, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर की है और आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये एरिया जो टाइल से कवर है इसकी सफाई हम वीकली और मंथली बेसिस पर करते रहते हैं, इसलिए इसकी सफाई में हमें उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है और ये एरिया आसानी से साफ हो जाता है। और गैस स्टोव के इस तरह के जले हुए स्टेन्स को साफ़ करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है इस तरह के वायर ब्रश की। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस तरह के स्टेन्स को साफ़ करने के लिए। तो इस तरह हमारी काफ़ी सारी क्लीनिंग हो चुकी है, और फाइनली मैं इन शेल्फ लाइनर्स को भी साफ़ करके सुखा लूँगी। और तब तक के लिए आप अपना वाला एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दे दीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि हमारे चिमनी फिल्टर डिश वॉशर में कितने साफ़ हुए।
क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग का सबका अपना अपना तरीका होता है और मैंने अपना वाला वर्जन आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे और कुछ नहीं तो आपको क्लीनिंग का मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। और हाँ, अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि अभी हमारे क्लीनिंग का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। और सिंक को अगर आप सुपर हाइजीनिक तरीके से साफ करना चाहते हैं और हमेशा ही शाइनी बना के रखना चाहते हैं तो एक बेकिंग सोडा का डब्बा आप ज़रूर उसके पास रखिए और बस आपको जब भी क्लीनिंग करनी है सिंक की, उसमें आप स्प्रिंकल करिए बेकिंग सोडा को और उसे सिंपली स्क्रब करके वॉश कर दीजिए और इस तरह से आपका सिंक हमेशा ही शाइनी और सुपर हाइजीनिक बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे किचन की एक्सटर्नल क्लीनिंग और अभी भी ड्रॉर्स और कैबिनेट्स की क्लीनिंग बाकी है जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे ही कैबिनेट्स और ड्रॉर्स की क्लीनिंग और वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।